कोलेस्ट्रॉल, नसों में ब्लॉकेज, वेरिकोज वेन, नसों को साफ करने का सबसे सफल असरदार उपाय आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी चीजों के बारे में बताने वाली हूँ जो कि आपके बढ़े हुए खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करती है। नसों में ब्लॉकेज और नसों को साफ करने का बहुत ही आसान उपाय बताने वाली हूँ। ये सारी चीजें आपके हृदय को प्रोटेक्ट करती है, हार्ट डिजीज से जैसे कि हार्ट ब्लॉकेज से, हाई ब्लड प्रेशर से बचाती है। कोलेस्ट्रॉल के बारे में आपने सुना ही होगा, कोलेस्ट्रॉल एक ऐसी चीज है जो नसों में ब्लॉकेज पैदा करती है, ब्लड सर्कुलेशन में बाधा उत्पन्न करती है, आपके हार्ट डिजीज को पैदा करने के लिए एक बहुत ही बड़ा रोल निभाती है। हमारे शरीर के अंदर 2 तरह के कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं, एक होता है LDL कोलेस्ट्रॉल, एक होता है HDL कोलेस्ट्रॉल। LDL कोलेस्ट्रॉल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, ये हमारी आर्टरीज के अंदर जमा हो जाता है, वहाँ पर ब्लॉकेज पैदा करने का काम करता है और हमारे शरीर को नुकसान पहुँच जाता है। वही HDL कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, क्योंकि ये हमें प्रोटेक्ट करता है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा करता है, हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। और ये HDL कोलेस्ट्रॉल LDL कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम भी करता है। वैसे तो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए लाइफस्टाइल, डाइट, वेट मैनेजमेंट बहुत ही जरूरी होता है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो बढ़े हुए LDL कोलेस्ट्रॉल को यानी खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करती है। आइए जानते हो इन चीजों के बारे में। सबसे पहली चीज जो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करती है दोस्तों, वो चीज है धनिये के बीज यानी कि कोरिएंडर सीड। दोस्तों, वैसे तो हम अपने खाने में इसका काफी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आप इसे एक औषधि दवा के तौर पर लेना चाहते हैं तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। आयुर्वेदिक दवाइयों में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, ये आपके कोलेस्ट्रॉल को घटाने का काम करती है। धनिये के और भी काफी फायदे हैं, ये यूरिन इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छा होता है, वजन को कम करने के लिए बहुत अच्छा होता है, ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। इसके अलावा ये आपके दिमाग को यानी कि मेमोरी पावर को शार्प करता है, बालों को हेल्दी बनाता है, आंखों की रोशनी को बढ़ाता है। लेकिन इसका सबसे ज्यादा फायदा जो है दोस्तों, ये बुरे कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने का काम करता है। धनिये के बीजों की तासीर ठंडी होती है, आप इसे कई तरीकों से खा सकते हैं। आप धनिये के बीजों की चाय बनाकर पी सकते हो, या फिर आप इसे ऐसे भी चबा चबा कर खा सकते हो। मैं आपको इसका बहुत ही स्वादिष्ट तरीका बताने जा रही हूँ। सबसे पहले आप धनिये के बीजों को तवे पर भून लीजिए, इन बीजों के साथ आप सौंफ भी मिला लीजिए, करी पत्ता मिला लीजिए, मिक्स करके आप इसे किसी डिब्बी में भर कर रख लीजिए। रोजाना 1 से 2 चम्मच की मात्रा में आप खा सकते हो, कोई नुकसान नहीं होगा। आप दोपहर का खाना खाने के बाद 1.5 से 2 चम्मच आप धनिये के बीजों को सौंफ के साथ लीजिए और थोड़ी सी मिश्री लीजिए, देखिए इस तरह से धागे वाली मिश्री ही लीजिएगा, इसे चबा चबा कर खा लीजिए। इसके अलावा आप धनिये के बीजों की चाय बनाकर भी पी सकते हैं। चाय बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 1.5 से 2 चम्मच धनिये के बीज को लेंगे, रात को पानी में भिगो कर रख दीजिए, सुबह बीज सहित इसे गर्म कर लीजिए। मीठे के लिए इसमें थोड़ा सा गुड़ मिला लीजिए, सुबह इसे छान कर चाय की तरह सिप सिप करके पी लीजिए। दोस्तों, ये आपके बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को बहुत ही तेजी से कम करेगा। इसके अलावा जिनका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है वो लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही जिनका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है वे लोग भी धनिये के बीजों की चाय बनाकर पी सकते हैं। धनिये के बीज दोस्तों शुगर लेवल को कम करने का काम करते हैं। बस शुगर वाले पेशेंट ने गुड़ का इस्तेमाल नहीं करना। दोस्तों, ये है आपकी पहली चीज जो आपने अपनी डाइट में शामिल करनी है। चलिए अब जानते हैं दूसरी चीज के बारे में। दूसरी चीज जो आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करती है वो है मेथी दाना। दोस्तों, बहुत ही कमाल की चीज है, काफी सारे लोग इसका इस्तेमाल डायबिटीज को कम करने के लिए करते हैं, मोटापा, जोड़ों के दर्द, वात से संबंधित रोगों को कम करने के लिए करते हैं। मेथी के अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज पाई जाती है। इसके साथ साथ इसके अंदर फाइबर पाया जाता है, वह फाइबर जो आपके लीवर के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल बन रहा है, जो हमारी बॉडी बना रही है, उसको भी कम करने का काम करता है। तो आपके कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए मेथी दाना बहुत अच्छा है। इसके लिए आपको क्या करना है, एक कांच का गिलास ले लीजिए, इसे पानी से भर लीजिए। एक गिलास पानी में आपको 1 चम्मच मेथी के बीज डाल लेने हैं और रात भर के लिए इसे भिगो कर छोड़ देना है। सुबह पानी सहित मेथी के बीजों को गर्म कर लेना है, छान कर पानी सिप सिप करके पी लीजिए चाय की तरह, और बाकी बचे हुए मेथी के दानों को चबा चबा कर खा लीजिए। अगर आप चबाने में कड़वा महसूस करते हैं तो इसके साथ आप 1 चम्मच शहद ले सकते हैं, या फिर आप गुड़ का सेवन भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद चीज है, इसका प्रयोग आप जरूर कीजिएगा। इसके अलावा आप मेथी दाने की चाय बनाकर भी पी सकते हो। मेथी की चाय बनाने के लिए आप मेथी के दानों को पीस लीजिए
आप एक चम्मच मेथी के दानों का पाउडर लीजिए और 1.5 कप पानी लीजिए। दोस्तों इस पानी को इस पाउडर के साथ तब तक उबालिए जब तक ये 1.5 कप पानी 1 कप ना रह जाए। उसके बाद गरम गरम चाय की तरह ही आप इसे सिप सिप करके पी लीजिए। इसे खाने के आधे घंटे तक आपने कुछ भी खाना पीना नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। चलिए ये हो गई दूसरी चीज जिसका आपने इस्तेमाल करना है। अब जानते हैं तीसरी चीज के बारे में। तीसरी चीज जो आपको जरूर इस्तेमाल करनी चाहिए वो है लहसुन। जी हाँ दोस्तों, लहसुन एक बहुत ही बढ़िया चीज है। आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करती है, खून को साफ करती है, खून को पतला करती है। लहसुन के अंदर ऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड पाया जाता है जिसको बोलते हैं एलेसिन। एलेसिन आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, इसके साथ साथ आपके बीपी को कंट्रोल करता है। लहसुन में एंटी इंफ्लेमेटरी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाई जाती है। ये आपकी पूरी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। दोस्तों आप लहसुन का इस्तेमाल रोजाना कर सकते हैं। आपको क्या करना है, रोजाना सुबह खाली पेट 2 कली लहसुन लेनी है। इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। इसे 1 कप गुनगुने पानी के साथ खा लेना है। आप लहसुन को खाकर ऊपर से गुनगुना पानी पी सकते हैं। अगर लहसुन कड़वा लग रहा हो तो आप इसे 1 चम्मच शहद के साथ सेवन कर सकते हैं। आप दिन में 1 बार कच्ची लहसुन का प्रयोग जरूर करें। इसके अलावा सब्जी में डालकर भी आप खा सकते हैं। कच्ची लहसुन की चटनी बनाकर भी रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों चौथी चीज की बात करें जो बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, खून को पतला और साफ करती है, वो है ग्रीन टी। जी हाँ, ग्रीन टी पीने से फ्रेशनेस फील होता है, मतलब तरोताजा फील होता है। ग्रीन टी पीने के अगले फायदे की बात करें तो ये कोलेस्ट्रॉल को घटाने के साथ साथ ये मोटापे को भी कम करती है। जी हाँ, अगर आप अपने वजन को कम करना चाहते हैं तो दिन में 2 बार ग्रीन टी जरूर पीजिए। बस आपने खाली पेट इसे नहीं पीना। ग्रीन टी पीने से दोस्तों ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है, खून को ये साफ करता है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आप ग्रीन टी पियेंगे तो ये चेहरे पर ग्लो लाएगी, ताजगी लाएगी। पांचवी और आखिरी चीज की बात करें जो कोलेस्ट्रॉल को कम करती है वो है दोस्तों आंवला। आंवले के अंदर विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है जिसके कारण इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भर भर के पाई जाती है। आंवले से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज पाई जाती है। ये आपकी बॉडी के अंदर कठोर नसों की समस्या या फिर उम्र के साथ साथ नसों में जो लचीलापन है उसको मैनेज करने का काम करती है। ऐसे में दोस्तों अब ठंड का मौसम है और आंवले का सीजन भी है तो फिर आप आंवला दिन में 1 या 2 बार जरूर खाएं। कच्चा आंवला थोड़ा मुश्किल होता है ना खाने में, इसलिए आप इसकी चटनी बनाकर या फिर जूस के तौर पर ले सकते हैं। आप इसका अचार बनाकर सेवन कर सकते हैं। आंवला मुरब्बा भी लिया जा सकता है, लेकिन अगर आपको डायबिटीज है, शुगर है तो आपने आंवले का मुरब्बा नहीं लेना। फिर आप इसका सेवन जूस या अचार के तौर पर कर सकते हैं। अचार घर पे बनाया हुआ हो उसी का इस्तेमाल करें। दोस्तों कोलेस्ट्रॉल एक ऐसी चीज है जिसको मैनेज करना बहुत ही जरूरी होता है। जिन चीजों के बारे में मैंने आपको बताया है जिसे आपने डाइट में शामिल करना है, ये कोलेस्ट्रॉल को, बुरे कोलेस्ट्रॉल को स्पीड से कम करती है और अच्छी कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी, आपके काम की होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की, इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और अगर आपके कोई भी सवाल है तो जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके बाय।